हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को। तो पिछली क्लास हमने जो है वो गॉस लॉ को पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि गॉस लॉ का यूज क्या है। तो इसके लिए आपके सिलेबस के अंदर 5 डेरिवेशन है गॉस लॉ से रिलेटेड, या उसका हम यूज ही मान लो, ठीक है ना। तो गॉस लॉ के लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये वहां एप्लीकेबल होता है जहां पे क्लोज सरफेस हो, ठीक है ना। तो हम गॉस लॉ को जब अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, एक क्लोज सरफेस चाहिएगा। उस क्लोज सरफेस को हम क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस, ये ध्यान रखना। तो जब भी हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम एक सरफेस बनाएंगे, इसका नाम होगा क्या, गॉसियन सरफेस। और ये इमेजिनरी होता है, मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है ना, ये इमेजिनरी है। और ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक। तो गॉस लॉ का बेसिकली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। अरे बात समझ में, क्योंकि हमने जो है वो पिछली क्लासों में तो पढ़ा था, अगर पॉइंट चार्ज होता था तो सीधा हम उसका आंसर लिखते थे E is equal to KQ by R square। तो यहां अब क्या होगा कि चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होगा, जैसे हमने पढ़ा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी तरीके से वो लीनियर चार्ज जो हो सकता है, वो सरफेस चार्ज हो सकता है, वो वॉल्यूम चार्ज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो याद रखना, तो गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना, क्लियर। और ये मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अंदर जो गॉसियन सरफेस है मेनली वो यही है, कौन सा, एक तो सिलेंड्रिकल है और कौन सा, स्फेरिकल है, क्लियर है ना, ये स्फेरिकल है, ठीक। और एक चीज बताना चाहूंगा, गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल तो है बट यूजफुल नहीं है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कि आप मतलब अगर आप मतलब कि आप पूछते हो कि इस जगह पे हम गॉस लॉ लगा सकते हैं या इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आंसर सटीक आंसर आएगा ये हम नहीं कह सकते। तो ये चीज है कि गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल तो है बट इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो लेकिन हमें जो स्टडी करनी है, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है गॉस लॉ से, वो जो आपके पास 5 डेरिवेशन है वो हम जो है वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डेरिवेशन की बात करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं और अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर, क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास में एक इनफाइनाइट जो है वो लेंथ का कोई एक जो है वो लाइन चार्ज है या वायर है, हम उसको मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे पास में क्या एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है, ये मेरे पास में इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। अब इनफाइनाइट का मीनिंग क्या है यहां पे ये भी समझ लो। तो इनफाइनाइट डिपेंड करता है कि आप जो है वो उस जो भी आपके पास में क्या बोलते ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास में ये वायर है, तो उससे आप किस पोजीशन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हो। अगर मान लो मैं बिल्कुल ही जस्ट इसके यहां पे पता करूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट के लिए ये जो वायर है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया ना। तो बस वही चीज है सेम। अगर मैं मान लो इस बोर्ड की बात करता हूं, अगर मैं बोर्ड पे यहां पे एक छोटी सी चीज रख दूं तो उसके लिए क्या लगेगा कि ये बोर्ड ही सब कुछ है। आ रही बात समझ में। तो इनफाइनाइट का मीनिंग ये होता है। तो अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा तो इस पॉइंट के लिए ये जो वायर है वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट की तरह ही जो है वो एक एक्ट करेगा, क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। सो ये मेरे पास में एक ए बी इनफाइनाइट लेंथ का जो है वो एक चार्ज वायर है मेरे पास में, क्लियर। और इसको जो है वो मैंने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास में जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर बात करूं इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी होगी, तो आपका आंसर यही तो होगा, इस तरफ या इस तरफ, यही तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मेरे पास में। चलिए, लेकिन अभी हम गॉस लॉ को नहीं लगा सकते हैं, अभी हम गॉस लॉ को नहीं लगा सकते, बिकॉज क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज सरफेस थोड़ी है। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए यहां मुझे कौन सा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा मुझे सिलेंड्रिकल। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, तो ये तो आपको देखो, जैसे अगर मैं आपको बताता हूं ये मेरे पास में एक वायर है, ठीक। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट और उतनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पता करना है, इस पॉइंट पता करना है, यहां 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 सभी, तो इसका मतलब देखो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा ना। ये पॉइंट यहां पे भी हो सकता है, 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 आगे बात समझ में। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मुझे यहां कोई एक पॉइंट है,
यहाँ पर एक पॉइंट है P, मुझे इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, और वो कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो ये बेसिकली आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको ये जो है याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे ये, ठीक है ना। ये क्लोज, तो आप देखो ये आपके पास में क्लोज सरफेस हो गया, तो इसका मतलब ये इस तरीके से तो है। अरे बस समझ में, सिलेंड्रिकल है इस, ये वायर है इसके चारों ओर, मैंने क्या किया गॉसियन सरफेस बना दिया, क्लोज सरफेस, ठीक। और मुझे जो है वो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। तो ये लिखा मैंने, लेट ए बी अ लाइन चार्ज विथ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब बात करो इसके यूनिफॉर्म चार्ज जो वो क्या बोलते हैं, डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो क्या है, लैम्डा। एज शोन इन फिगर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। तो ये डिस्टेंस मैंने इस वायर से मान ली कितनी है, आर डिस्टेंस पे है, क्लियर। अगर मैं पूछा जाऊं कि इस पे कितना चार्ज है, अगर इस वायर पे अगर मैं पूछूं कितना चार्ज है, तो ये तो इन्फाइनाइट है ना, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर 1 मीटर में पूछेगा तो कितना चार्ज है, लैम्बडा। 2 मीटर में पूछेगा तो कितना चार्ज है, 2 लैम्बडा। 3 मीटर में पूछेगा कितना है, 3 लैम्बडा। सो अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही तो होता है फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी का, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर। अब देखो यहां पे एक चीज और, अगर मैं पूछूं आपसे कि अब गॉस लॉ के लिए हमें क्या चीज पता करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये चीज हम देखते हैं एक तो, ठीक। और उसी से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो निकालेंगे। अब मैं बात करूं कि आपको यहां पे जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर कितने सरफेस नजर आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 3। कैसे, एक तो ये अपर सर्कुलर सरफेस, एक लोअर सर्कुलर सरफेस, और ये आपका कर्ल सरफेस। बिकॉज हमें जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो कितने सरफेस से निकलेगा, 3 सरफेस से निकलेगा। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स निकालना चाहूंगा तो इसको तो मैं दे देता हूं सरफेस S1, ये होगा मेरे पास में S2, और ये सरफेस कौन सा हो गया मेरे पास में S3 है, क्लियर। अब यहां पे जो है वो मैं पहले एक गॉस लॉ अप्लाई करता हूं। सो बाय गॉस लॉ, बाय गॉस लॉ, तो देखिए क्या था फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। चलिए बट अगर मैं इस फ्लक्स की बात करूं तो ये तो मेरे पास में टोटल सरफेस का है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक तो मेरे पास में हो जाएगा S1 के लिए ई डॉट डी ए प्लस E डॉट डी ए सेकेंड सरफेस के लिए S2, और फिर प्लस S3 E डॉट डी ए और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बात समझ में, और अगर मैं यहां से चार्ज निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको जो शिफ्ट कर दूं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू एल, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है तो इनके बीच में एंगल भी तो चाहिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, इस वाले सरफेस की, इस सरफेस की, तो इसका जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये डीए की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। तो देखो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना है आपके पास में, 90 डिग्री। सेम यहां पे आ जाओ, अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 3D सरफेस के अंदर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ओनली नॉर्मल आउटवर्ड्स, ये पता है। अरे बात, 2D के लिए क्या होती है, इनवर्ड्स भी होती है और आउटवर्ड्स भी होती है। तो यहां बात करता हूं, तो यहां आउटवर्ड्स क्या आएगा, नीचे क्या होगा, तो आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरे पास में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है। तो इसका मतलब यहां पर भी थीटा कितना हुआ, 90 डिग्री। अब आया था यहां पर इस कर्व सरफेस पे, इस कर्व सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लो। तो यहां मैंने पॉइंट लिया है, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कि मेरे पास में ये सिलेंड्रिकल है,
अरे बस समझ में। तो इसकी अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस पॉइंट पे, तो कहाँ होगी? इसके जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कहाँ आएगी? इसको यहाँ पे रखो इस तरफ, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो डी ए इस तरफ, और ई भी क्या है इसी तरफ, तो इसका मतलब यह थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो यहां पे आएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वन ई डी ए कॉस 90, फिर प्लस एस टू ई डी ए कॉस 90, और फिर प्लस एस थ्री ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आपको पता है कि जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। तो ये भी 0, तो ये दोनों तो क्या हो गए? 0। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो ये तो कांस्टेंट का बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ओनली फॉर किसका? सरफेस थर्ड का। और इस क्यू की जगह मैं वैल्यू रख लूंगा ये लैम्डा इनटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए कौन सा डीए? सरफेस थर्ड, ये देखो ये इसका। और आपको पता है कि सिलेंडर के कवर्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। बट यहां पे एच की जगह हम किसको यूज करेंगे? लेंथ को। तो ये मेरे पास में हो जाएगा ई मल्टीप्लाई डीए की जगह हो जाएगा एरिया, और एरिया किसका? कर्व सरफेस का। तो कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेम यहां पे देखो वापस आप लैम्डा से ये लैम्डा कट जाएगा, और ई इज इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा लैम्डा अपॉन, ये दोनों का नीचे चले जाएंगे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ये है किसी भी इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो ये आपको याद रखना है, एज अ न्यूमेरिकल आपको जब यूज करोगे तो वहां पे आपको सीधे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आप अपनी डेरिवेशन थोड़ी याद रखोगे। बट अगर मैं बात करूं डेरिवेशन की, तो आपको तो पूरा तो वो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, डेरिवेशन। अब यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एक और के की फॉर्म में लिखता हूं, तो मैं क्या करता हूं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो देखिए ये 2 और 2 मिला के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है? के की वैल्यू होती है। सो ई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा मेरे पास, इस 2 को मैं आगे ले जाता हूं तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। आगे बात समझ रहे? तो ये भी आप याद रख सकते हो इसको, तो ये याद रखना थोड़ा इजी रहता है। 2 के लैम्डा अपॉन आर, इसको थोड़ा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, थोड़ा सा मतलब हमें लंबा भी लगता है नाम लेना, ये थोड़ा इजी है 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है जी। यहां से ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ये भी देख लो। अगली बात समझ में, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऑब्वियसली घटेगी। तो अब देख ही लो ना यहाँ इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी, तो जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम जो ई वर्सेज आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इस तरफ तो मैं ले लेता हूँ ई और इस तरफ ले लेता हूँ मैं आर, तो ग्राफ क्या निकल जाएगा? कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी आप बना लेना ई वर्सेज आर का ग्राफ। तो ये था डेरिवेशन इसके लिए इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर के कारण। अब मैं बढ़ता हूं एक एग्जांपल पे जो इस साल बोर्ड 2020 में आया था, यानी अगर मैं बात करूं पिछले 8-9 सालों में, तो इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। 3 बार तो डेरिवेशन आई है, लगभग 3-4 बार डेरिवेशन आई, और इस साल ये न्यूमेरिकल आया था। तो चलिए हम करते हैं इस साल के इस न्यूमेरिकल को, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये। तो क्या है? एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियस 0.1 मीटर रिवॉल्व्स अराउंड अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बना देता हूं यहां पे एक ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज का वायर, जो क्या है एक सर्कुलर है, ये लिखा ना इन अ सर्कुलर पाथ। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो है वो यहां पे जो है वो घूम रहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है मुझे कितनी? 0.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया कि इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज 1 माइक्रो कूलम पर मीटर, ये दे रखिए आपको 1 माइक्रो कूलम पर मीटर, तो इसको चेंज कर देते हैं कूलम में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर, ये आपको दे रखा है, ठीक है। देन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको स्पीड बतानी है, यानी आपको किसकी वी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी स्पीड, यही है वी। अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए आप,
जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसपे क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। बट क्यू में क्या है, चार्ज, और चार्ज मेरे पास में कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा क्या, ई। अब यहां पे ई तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन, बट उस कैपिटल ई मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, ये दिखा आपको, देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो कितनी आई, 2k λr। तो इस ई की जगह मैं ये रख दूंगा वहां पे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2k e λr, ये देखो 2k λr, ये ई को भी मैंने अंदर डाल लिया इसके, क्लियर। तो ये तो कौन सा फोर्स हो गया मेरे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर। ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर। अच्छा अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो आपने 11th में पढ़ा था, अच्छा हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहे, आ रही बात समझ में, नीचे ना गिरे। तो इसका मतलब आपको पता है कि इसके सेंटर की ओर से एक फोर्स लगेगा इस पर, यानी अगर ऐसे घूम रहा है तो इसके डायरेक्शन इस तरफ होगी, यहाँ आएगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस जगह आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, यहाँ आएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो ये कब ऐसे घूमता रहेगा, तो जब तक कि इसके ऊपर क्या लगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्लियर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, आपने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है मेरे पास में mv² / r, ये पढ़ा, याद करो आप 11th में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था mv² / r सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहना चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वली बराबर में होना चाहिए उनका, आई बात समझ में। तो मैं कह सकता हूं कि एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी, ये चीज, आ रही बात समझ में। तो अब मैं क्या करता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू रख लेता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2k e λ / r इज इक्वल टू mv² / r। तो देखो ये r से r कैंसिल आउट, मुझे क्या चाहिए, v की वैल्यू, इस m को नीचे शिफ्ट कर दो तो मेरे पास में देखो ये v² इज इक्वल टू हो जाएगा 2k e λ / m। v निकालना है, इसको हटा दो, स्क्वायर रूट ले लो, क्लियर। अब वैल्यू रख देंगे हम सब यहाँ पे, सारी वैल्यूज रख दो यहाँ पे, तो ये मेरे पास में 2k की वैल्यू पता है 9 × 10⁻¹, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, और लेमड़ा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻¹ डिवाइडेड बाई m, m किसका, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 × 10⁻³¹, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में लिखवाया था आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा Me, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का मास। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में स्पीड भी आएगी। तो काफी अच्छा एग्जांपल था, काफी अच्छा न्यूमेरिकल था ये, इस साल बोर्ड का आया था, और 3 नंबर का शायद, आई थिंक मुझे तो ध्यान नहीं है, हाँ मुझे ध्यान है कि लगभग लगभग 3 नंबर का ही आया होगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, एक और डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन को, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। आइए बात समझिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे किसके कारण, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, आइए बात समझ में। नॉन कंडक्टिंग, अच्छा मुझे ये बताओ नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंसुलेटिंग या इंसुलेटर, आइए बात समझ में। तो कहने का मतलब है कि अब वही इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मीनिंग है जैसे कि मान लो मेरे पास में ये सीट है, और सीट के मुझे जो है वो यहाँ पे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो इसके लिए इस पॉइंट के लिए ये कुछ इसको क्या दिखेगा है, मतलब जो भी है सब कुछ यही है, मतलब इनफाइनाइट तक जो है इसको ये दिखेगा, आई बात समझ में। तो मैंने ये चीज होता है इनफाइनाइट ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी सीट हो, आई बात समझ में। तो इनफाइनाइट डिपेंड करेगा किसके कारण, पॉइंट के कारण, क्लियर। तो मैंने क्या किया कि ये एक सीट है मेरे पास में, ठीक है, एबीसीडी मेरे पास में एक सीट है जो क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, और इसको मैंने क्या किया यूनिफॉर्मली चार्ज करके रखा है, ठीक। ये देखो, लेट एबीसीडी बी अ पार्ट ऑफ एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, क्लियर। एट सॉवरेन फिगर द यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी, द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, इस पर जो
सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये क्या है, 2D सरफेस है। अरे बात समझ में। और 2D सरफेस के लिए जो हम यूज करते हैं बेसिकली वो क्या करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज सीट है ना, तो सीट पे जो चार्ज फैला हुआ होगा वो कहाँ होगा, उसके सरफेस पे ही तो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कौन सा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर। यहाँ पे ये कोई पॉइंट है पी, और ये कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। इस पे मुझे जो क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। अच्छा मुझे चीज बताओ, अगर ये पॉइंट यहाँ है ना, तो क्या ये पॉइंट सीट के पीछे भी तो हो सकता है, आ रही बात समझ में। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ पे मान लिया, ये मेरे पास में, ये भी कितना होगा, सेम उतने डिस्टेंस पे लिया मैंने, आर डिस्टेंस पे, ये भी मेरे पास में पी पॉइंट। क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, हमेशा दूर होती है, इस तरीके से, इस तरफ भी जो है वो इससे दूर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरफ है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सेम अगर यहाँ पर बात करूंगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल। ध्यान से देखना कैसे है, अगर ये मेरे पास में सीट है, ठीक है, ये मेरे पास में सीट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ मान लिया, एक पॉइंट यहाँ नीचे मान लिया, एक लाइन ऊपर खींच ली, एक लाइन नीचे खींच ली, तो यहां से बोले एक सिलेंडर बन जाएगा, और इसको इस तरफ से क्लोज कर दिया। इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ मान लो और एक पॉइंट उसी के जस्ट सिमेट्रिक नीचे मान लो, उन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लो, तो क्या बना, एक सिलेंडर बना। तो जस्ट आप ये प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अरे बस। लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो गॉसियन सरफेस बना है वो कौन सा बना है, सिलेंड्रिकल बना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मेनली आपके सिलेबस में दो ही गॉसियन सरफेस बनते हैं, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। चलिए तो बात करते हैं यहां पे। अब मुझे क्या करना है, इस क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स के लिए मुझे क्या पता है, गॉस लॉ तो लगाएंगे यहां पे क्लोज सरफेस के लिए, अप्लाई गॉस लॉ है भाई, गॉस लॉ भाई। फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब बात करते हैं कि यहां पे जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो कौन सा हो रखा है, सरफेस सॉरी हाँ यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो कौन सा हो रखा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहां से अगर मैं चार्ज कैलकुलेट करूंगा तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए, यही तो होगा। तो इसका मतलब अब मुझे अगर इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो कितने क्लोज सरफेस है, पहले तो ये देख लो एक बार, एक तो ये, ठीक सॉरी हाँ, इस क्लोज सरफेस के कितने पार्ट है, एक तो ये है, एक ये वाला है, और एक कर्व सरफेस है। सेम वही जब हमने जो है वो पिछला किया था डेरिवेशन, उसमें भी कितने थ्री पार्ट थे, ठीक है ना, क्लोज सरफेस के दो सर्कुलर थे और एक कर्व था। तो सेम यहाँ पे भी यही है, तो इनको भी जो है वो मैं नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास में एस वन हो जाएगा, ये एस टू हो जाएगा, और ये एस थ्री हो जाएगा, ये पूरा एस थ्री। क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, तो टोटल फ्लक्स की बात करूंगा तो वो मेरे पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस टू ई डॉट डी ए, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस थ्री ई डॉट डी ए, और इज इक्वल टू क्यू की जगह रखूंगा मैं क्या, सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं एंगल की, तो देखो एंगल का क्या होगा, एंगल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी क्या आएगा, जस्ट इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, तो यह एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री। इस पॉइंट पे मैं एरिया की डायरेक्शन बात करूं तो वो आएगा इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी एंगल कितना है, ई और एरिया वेक्टर के बीच में जीरो डिग्री। यहां पे आ जाओ तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट इसके परपेंडिकुलर ऊपर है, तो इसका मतलब यहां एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो यहां थीटा कितना है, 90 डिग्री। आगे बात समझ में, तो यहां हम इसको थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट को खोल देते हैं, तो यह एस वन ई डी ए कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस टू ई डी ए कॉस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस थ्री ई डी ए कॉस 90 इज इक्वल टू सिग्मा ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहां तक, तो देखो कॉस 90 ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सरफेस वन और सरफेस टू दोनों एक जैसे है ना, दोनों सेम सर्कुलर है, तो इसका मतलब
कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, ई दोनों से बाहर ले देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस वन डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस टू डी ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये डी ए का ए हो जाएगा और यहां से भी ए, तो ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये मेरे पास में हो जाएगा टू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, कौन सी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है क्या, बिकॉज हमने तो इसको आर डिस्टेंस पे ले लिया, फॉर्मूले में तो क्या है डिस्टेंस कुछ आई भी नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास में कोई नॉन कंडक्टिंग शीट है उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहो किसी भी पोजीशन पे, चाहे यहां करो चाहे यहां पता करो चाहे यहां पता करो, सभी से क्या आएगी, सेम आएगी, बिकॉज ये क्या है जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका जो ई वर्सेज आर का जो ग्राफ होगा, ये ई और ये आर, तो वो क्या आएगा, बिल्कुल कॉन्स्टेंट किसी भी जगह पे, आप यहाँ 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 कहीं पता करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी, ए जैसे आएगी। सो ये था डेरिवेशन हमारा गॉस लॉ का सेकंड। नाउ एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए द चार्ज ऑन एन इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ एरिया, एरिया दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर देते हैं 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर है तो 10⁻²² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा, इज 17.70 माइक्रोकूलम, ये दे देता आपको क्या चार्ज 17.70 माइक्रोकूलम, तो चेंज कर देता हूं इसको 10⁻⁶ कूलम। क्लियर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द सीट इन एयर। अब आपको सीट के पास में कहीं भी पॉइंट ले लो, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो फॉर्मूला ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जरूरत किस चीज की है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां वैल्यू रख लेता हूं, क्या होती है सिग्मा की वैल्यू, क्यू अपॉन ई, ये तो होती है, और ये टू एप्सिलॉन, ऐसे तो निकालता है सरफेस चार्ज डेंसिटी को ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे चार्ज की वैल्यू रख लेता हूं, सो ई इज इक्वल टू चार्ज मेरे पास में दे रखा है 17.70 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय एरिया, आपको कितना दे रखा है 10⁻⁴, दिस इज 10⁻⁴, 2 × 8.85 × 10⁻¹2 यही होता है। ठीक, अब ध्यान से देखें, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इन दोनों को, ये लगभग 17.70 ही आएगा, बिकॉज 8 लगभग कितना 16 होता है 8 का डबल, और 8.85 तो लगभग देख लो आपको 17.70 के लगभग आएगा, तो यानी ये इससे कट जाएगा 10⁻⁴, 10⁻¹2, 10⁻⁶, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 16 में से 6 चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास में आ गया 10⁻⁰ न्यूटन पर कूलम। बस, तो बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आता है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में भी हम जो है वो दो डेरिवेशन करेंगे गॉस लॉ की, इस तरीके से हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।